चाहे उद्योग की स्थापना सिंदरी कारखाना हो, बोकारो के सेल हो या टाटा जमशेदपुर हो या फिर छोटा मोटा कंपनी जो रांची एच ई सी हो चाहे सिल्ली में हिंडालको, लेकिन बदले में हमेशा हमने के साथ चलावा गए, आज भी हमने के साथ हमेशा चलावा गए। हमने तो अपन खेती योग्य हजारों हजार एकड़ जमीन कंपनी के माध्यम से ओकरा माने विकास खातिर दे दिली, लेकिन बदले में नौकरी बाहर के लोग के हमेशा मिले जकर एक वित्त जमीन नहीं गए खरीदला तो अलग विषय भैग, लेकिन अब ऐसा आभास भैर झारखंड में कि हमने के लगातार कंटिन्यू मने एगो शरणार्थी बनवे के तरीका चल रहा है कि किसी प्रकार हमने के सारा जमीन हड़प लेते और फाइनली एक दिन हमने एगो शरणार्थी बन के रह जेबे। तो ओकरे क्रम में अब हमने के आभास भेल कि ग्रामीण के एकजुटता के साथ जकर में हमने के बुद्धिजीवी वर्ग सब सामने हथिन, वकील वर्ग सब सामने हथिन, एक बार नया वैचारिक लड़ाई लड़ रही है जकर में हमने के उद्देश्य अपन जल जमीन जंगल के सुरक्षा करना, साथ ही अपन माय समान माटी जकर खातिर सदियों से हमने आंदोलन कर रहे, चाहे चुहाड़ आंदोलन के बात कर, भूमिज कोल विद्रोह के बात कर, चाहे सिद्धू कानू के नेतृत्व के बात कर या फिर बिरसा बाबा के नेतृत्व के बात कर, हमेशा हमने जमीन के बचवे खातिर आंदोलन कर लिए और ओकरे से प्रभावित भई के अंग्रेज सीएनटी कानून के प्रावधान लेके आएल कि अखनी के भोला भाला इंसान अखनी के जल जमीन जंगल पर डाका ना डालते। अरे हमने ना फिर जब भारत गणतंत्र भले तो भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति होले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह कहलथिन कि जैके छोटा नागपुर के लोग अगर सचेत ना भेव है तो आने वाला दिन ऐसा होते कि बाहरी लोग के यहाँ दबदबा बनते। तो अब हमने चाहिए बहुत भूल भले अगर ऐसे चलते रहते तो फाइनली एक दिन हमने जैसे पिंडारी समूह हले भारत देश में असूरी जनजाति भारत में हले अपनी समाप्त होवे के कगार पे है, पिंडारी तो खत्मे भई गले, तो इसलिए हमने एक दिन झारखंड के बहुत सारा कबीलाई कौम खत्म भई जेबे अगर आज हमने ना जागे तो। तो सही खातिर आज हमने की लड़ाई है अपन जमीन के बचाना। आ एक कानूनी है जिसे कोई अगर कंपनी भी जमीन ले तो 5 साल तक अगर वहाँ वो अपन कोई क्रियान्वयन नहीं करे कार्य के तो अगर फिर वापस रैयत के करे के इटा माननीय न्यायालय के आदेश भी है। तो हमने अपन कानून संवैधानिक लेट रही और निश्चय हमने जीत लेते तो जमीन टा रैयत और यहाँ के झारखंडी जो कहल जाए ओकनी के वापस नहीं दे के कहीं हमेशा देखे हमने छलावा करल जाए तो कहे तो रीजन ओकर खातिर उदासीन राजनीति चूँकि अखनी के केवल अपन सत्ता से मतलब रहो और सत्ता के माध्यम से जितना भी अपन कमीशन एगो हो चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर जब भी अपन योजना हो कार्य के या सड़क बनना हो या तालाब बनना हो तो एखनी उदासीन राजनीति कर रहे हो झारखंड में। अगर एखनी जरा सा भी इंटरेस्टेड राजनीति रहते तो अगर सबसे पहला बात अगर आम व्यक्ति के विकास चाहे तो आम व्यक्ति के हाथ में रोजगार होना चाहिए, एक आम व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होना चाहिए, लेकिन एखनी चंद मुठ्ठी भर आदमी के जगह चाहे कंपनी के माध्यम से हो या फिर अन्य स्रोत के माध्यम से हो केवल कुछ ही पूंजीपति वर्ग के हाथ में भारत देश के हो या झारखंड राज्य के हो सारा पैसा अपने हाथ में गिरफ्त में जा रहा हो। तो इस खातिर उदासीन राजनीति अगर सबसे प्रमुख कारण हो और दूसरा कारण हो हमने लोक में एगो जानकारी के अभाव एकजुटता में थोड़ा सा बिखराव और मैंने एजुकेशन ओकरा कमी रह कारण आज हमने के इतना चल भई रहा कि आंदोलन इसे शांतिपूर्वक तरीका से हमेशा बहते रहते या उग्र रूप भी कभी। देखिए भारत एक संवैधानिक देश लगे संविधान के अनुपालन करते हुए हमने प्रयास है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही अपन अहिंसात्मक तौर से अपन आंदोलन करल जाए। ओकर खातिर हमने कभी फिलहाल लड़ाई में जो हमने हथियार है मुख्य रूप से हमने शिक्षा हमने जो संवैधानिक अनुच्छेद है चाहे वन अधिकार कानून हो भूमि अधिग्रहण कानून हो या सीएनटी कानून हो या फिर अन्य कानून हो ओकरे हवाला लेते हुए ओकरे तर्क के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रही और फाइनली जब बात कहीं से ना बनते तो कहले गए इंसान अपन भविष्य के बचवे खातिर अपन आप के बचवे खातिर उस सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर जाए। तो फिलहाल हमने संवैधानिक तौर से ही सेल्फ डिफेंस कर रही है जब एक से बात ना बनते पानी जब सर से ऊपर भजते तो फिर इटा भविष्य के बात लगे और भविष्य में बहुत कुछ बहते।